अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं नॉलेज इज पावर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं स्कॉलरशिप पोर्टल से आपके लिए बहुत ही कमाल किस्म की एक स्कॉलरशिप अपडेट लेके आया हूं, जो कि पाकिस्तानी हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अनाउंस की गई है। और ये थाईलैंड का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CGI। इसके अंदर ये मतलब आपको स्टडी के लिए भेजेंगे, ठीक है व्यूअर्स। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, इसके अलावा किस तरह अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है और कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं फर्दर जाकर इस यूनिवर्सिटी के अंदर थाईलैंड, ठीक है व्यूअर्स। कंप्लीट डिटेल शेयर कर दूंगा आज की इस वीडियो के अंदर, तो जरूर देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हमेशा एक तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो रेड आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको डेली आने वाली इस तरह की स्कॉलरशिप अपडेट सबसे पहले मिल जाए करे। तो जल्दी से मूव करते हैं हमारी आज की स्कॉलरशिप की तरफ। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन की तरफ से एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही हैं कि आप अप्लाई करें। चुलाबर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि एकेडमिक सेशन 2021 के लिए है, ठीक है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, 16 साल की स्टडीज़ पूरी कर ली हैं, तो आप आगे MS या MPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अब फील्ड्स कौन कौन से हैं वो सारा कुछ आगे डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि आप पाकिस्तान के नेशनलिटी आपके पास हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर की हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए, अक्टूबर 30, 2020 तक। 16 साल की आपने तालीम पूरी कर ली हो, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास हो, और मिनिमम CGPA जो सी है वो 3.00 हो, ठीक है। अब फील्ड्स की बात कर लेते हैं। साइंसेज में आए तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज। इसके अलावा ये देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेडिकल फील्ड वाले भी जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन, मेडिकल टेक्नोलॉजी वाले, अगर आपने इनके रिलेटेड भी कोई बैचलर्स डिग्री की है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मूव करें तो फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज वाले भी कर सकते हैं, इससे कि आपका लेबॉरेटरी रिसर्च वर्क जो है ना वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि TOEFL या IELTS का भी आपने क्लियर किया हुआ हो, वो सर्टिफिकेट भी आपके पास हो। नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये कुछ बताया हुआ है स्कॉलरशिप स्टार्ट कैसे होगी। पहले 6 वीक्स का कोई कोर्सेज हैं, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए, वो 2021 में जो स्टार्ट में करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद 2 साल की डिग्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। अब बात करते हैं कि मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है हर स्कॉलरशिप का, कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सॉरी, ये देखें आप, इसमें बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। कंप्लीट ट्यूशन फ़ी आपको मिलेगी, एकेडमिक फ़ीस अदर भी अगर कोई होंगी तो वो भी दी जाएंगी, आने जाने की एयर टिकट्स मिलेंगी आपको, और रहाइश के एक्सपेंसेस आपके सारे, मंथली इवन स्टाइपेंड भी मिलेगा, और बुक्स के पैसे, हेल्थ इंश्योरेंस, सारा कुछ ही मतलब फंडेड है, ठीक है व्यूअर्स। और अब बात करते हैं लास्ट डेट की, तो 31 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है व्यूअर्स। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके जाके आप खुद भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, ये तो थी CGI स्कॉलरशिप, जो कि थाईलैंड के इंस्टीट्यूट की तरफ से अनाउंस की गई थी, और इसको फंड करेगा HEC हायर एजुकेशन कमीशन। उम्मीद है आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा, आंसर भी कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप खुद भी ऑनलाइन जाकर पढ़ना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके जाके आप खुद भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको डेली आने वाली इस तरह की लेटेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अपडेट सबसे पहले मिल जाए करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और अपने अदर फेलोज के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें, हो सकता है आपकी यही नहीं कि आपके काम आए और आपकी स्कॉलरशिप लग जाए, ठीक है व्यूअर्स। जल्दी ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।